अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर सदीक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबई स्काई। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास मलेशिया का विजिट वीज़ा मौजूद है तो आप मलेशिया के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं। सेकंड, आप मलेशिया की इमिग्रेशन को कैसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आज इन सब की डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास मलेशिया का विजिट वीज़ा है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं या फिर बांग्लादेश से हैं, तो आप मलेशिया के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट, आपके पास कन्फर्म रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डमी या बुकिंग होगी तो आपको मलेशिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास होटल की बुकिंग जो है वो भी कन्फर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास होटल की बुकिंग कन्फर्म नहीं होगी तो फिर भी आपको मलेशिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा या आपको आपकी कंट्री से ही ऑफलोड कर दिया जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस होटल की आप बुकिंग करने जा रहे हैं उसका आपको नेम याद होना चाहिए और उसका आपको एड्रेस याद होना चाहिए और आप जिस डेट से उसकी बुकिंग कर रहे हैं उस वो डेट भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास शो मनी जो है वो 3000 रिंगिट जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसी तरीके से आप मलेशिया के इमिग्रेशन को इजीली क्लियर कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको बेसिक जो है वो इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए ताकि आपको जब इमिग्रेशन काउंटर पे आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका आंसर देना जो है वो आना चाहिए। बेसिक आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इजीली इमिग्रेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ ताकि जो दोस्त मलेशिया के विजिट वीज़ा के हवाले से परेशान है तो उनकी ये परेशानी दूर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।